बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से 80% तक खराब हुए गेहूं भी सरकार किसानों से खरीदेगी, लेकिन इसके लिए किसानों को सरकार प्रति किलो 5 से 10 रुपया कम देगी। इससे किसानों को बड़ा नुकसान होने वाला है। मार्च में हुई दो दौर की बारिश और ओलावृष्टि के कारण मध्य प्रदेश में किसानों का 10 लाख टन से ज्यादा गेहूं खराब हो गया है या उसमें कालिख आ गई है। खरीद केंद्र पर अभी गेहूं पहुंचना शुरू हो गया है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने आदेश निकाला है कि 10% तक चमक हो चुके गेहूं को समर्थन मूल्य 2,125 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। यदि गेहूं इससे ज्यादा खराब है तो 80% तक चमक विहीन गेहूं को प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से 5 से 10 रुपए कम पर सरकार खरीदेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा था, जहां से उसे स्वीकृति मिल गई है। स्टेट सिविल सप्लायर कॉर्पोरेशन के MD तरुण पिथौड़े ने बताया कि चमक विहीन गेहूं लेते समय प्रावधान है कि प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की 1% राशि काटी जाती है, लेकिन इस बार 1% का 1/4 पैसा काटा जाएगा। सरकार का अनुमान है कि प्रदेश में कई बार हुई बारिश ओलावृष्टि के कारण 15 से 20% फसल को नुकसान पहुंचा है। भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख राहुल धूत के मुताबिक पहले हुई बारिश और ओलावृष्टि में 10 से 12% गेहूं की फसल खराब हुई और अब तक सर्वे भी नहीं हुआ। इसी तरह 16% तक नमी वाली और 10% कम चमक वाली फसल ही ली गई। मंडियों में 1700 से 1800 रुपए क्विंटल ही भाव मिल रहे हैं। नुकसान का सर्वे हो ही नहीं पाया है। बेहतर है कि सर्वे सरकार की बजाय थर्ड पार्टी करे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि सरकार कुछ भी आदेश दे, खरीद केंद्रों पर कोई स्पष्ट मानक नहीं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में।